फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट डोनट्स। और डोनट्स बनाने के लिए मैंने लिया था एक कप मैदा, हाफ कप जो है वो शुगर है, हाफ कप मिल्क है, वन एग, टू टेबलस्पून मेल्टेड बटर है, और इंस्टेंट यीस्ट है मेरे पास वन टेबलस्पून, और हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून जो है वनीला एसेंस, और हाफ कप जो है वो मैं वार्म वाटर यूज़ करूँगी, और चॉकलेट चिप्स हैं ये, इसको मैं ग्लेज के लिए यूज़ करूँगी। हाफ कप मैंने लिया है वार्म वाटर, और उसमें मैं वन टेबलस्पून जो है यीस्ट है मेरी, इंस्टेंट यीस्ट मैंने ली थी, इसको मैं डाल दूँगी, और इसको मैं मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए रख दूँगी एक साइड। एक बॉल लिया मैंने, और उसके अंदर जो है मैं डालूँगी अपनी शुगर डालूँगी, और उसके बाद उसमें मैं मिल्क ऐड करूंगी, हाफ कप जो मैंने मिल्क लिया था, और एक मैं जो है वो एग। इसको मिक्स करूंगी। एक मैंने बड़ा बॉल लिया है, उसमें सबसे पहले मैं मैदा डालूंगी, उसके बाद हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट डालूंगी, इसको डाल के जो है मैं मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने जो हाफ टी स्पून था मेरा वनीला एसेंस वो ऐड कर दिया, और 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया था, मेल्टेड बटर है, इसको मैं डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने बटर के साथ और सॉल्ट और वनीला एसेंस के साथ मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब जो मेरा एग और मिल्क का और शुगर का बैटर, इसको मैं डालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, और इसको भी मैं इसके साथ मिक्स करती जाऊंगी। सारा डाल दूंगी और मिक्स कर, अब जो मैंने यीस्ट और वार्म वाटर को मिक्स करके रखा था उसको मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा थोड़ा, और मिक्स करती जाऊंगी, और इसको एक डो की शेप में मैं गूंद लूंगी। डो मैंने अच्छी तरह से गूंथ ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको रैप करके रखूंगी 2 आवर्स के लिए, मैं डो को रखूंगी ताकि ये राइज हो जाए। डो जो है मेरी बहुत अच्छी तरह से राइज हो चुकी है, 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको अनरैप करती हूँ, दो जो है मेरी राइज हो गई थी। मैंने अब इसको जो है ना दोबारा से एक दफा किया है प्रेस, मैदा डस्ट कर लिया मैंने डो के ऊपर, और अब मैं डो को रोल करूंगी। डो जो है मैंने बेल ली है, और मैंने इसको जो है 1 इंच मोटा जो है वो रखा है। आप इस चीज का ख्याल रखें कि क्रैक्स ना आए। अब मैं इसको कट करूंगी राउंड शेप में। सारे जो है डोनट्स मैंने काट लिए हैं, इनको मैं निकालती जाऊंगी ऐसे। डोनट्स मैंने कट करके डिश में रख दिए, अब मैं इसको रैप करके 10 मिनट के लिए दोबारा रखूंगी फ्रिज में, और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को एक पैन में डाल के रख दिया है गरम करने के लिए,
और अब मैंने अपने डोनट्स जो हैं 10 मिनट्स हो चुके थे, मैंने इनको देखा है ये सेट हो गए हैं। अब मैं एक छोटा सा पहले पीस पकड़ूंगी और उसको ऑयल में डाल के चेक करूंगी। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक करके सारे डोनट्स हैं और फ्राई करते जाएंगे। डोनट्स जो है मीडियम फ्लेम पर फ्राई हो रहे हैं, मैं इनको टर्न करूंगी और दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन कलर देंगे इनको। देखिए सारे मेरे डोनट्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकालती जाऊंगी। सारे डोनट्स मैंने फ्राई कर लिए थे और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट ये बने हैं। ग्लेज रेडी करने के लिए मैंने पैन रखा है स्लो फ्लेम पे, उसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड करूँगी। जैसे ही मेरा बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो चॉकलेट चिप थे वो मैं डाल के चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। बटर मेरा मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें चॉकलेट चिप्स डालूंगी और इनको मेल्ट करूंगी। चॉकलेट ग्लेज जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको ठंडा करूंगी और फिर डोनट्स को ग्लेज करेंगे। डोनट्स जो है मेरे ठंडे हो चुके हैं और ग्लेज भी मेरी ठंडी हो गई है और अब मैं अपने डोनट्स को चॉकलेट ग्लेज से ग्लेज करूंगी। चॉकलेट से मैंने इनको ग्लेज कर दिया है, अब मैं इनको फिर से 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखूंगी और ठंडा करने के लिए जैसे चॉकलेट ठंडी होगी तो फिर हम स्प्रिंकल के साथ इनको फिर सर्व करेंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं और ग्लेज जो है वो बहुत अच्छे से डोनट्स पर सेट हो गई है और मैंने अब डोनट्स को स्प्रिंकल्स के साथ और वाइट शुगर के साथ गार्निश कर दिया है। चॉकलेट डोनट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।